सेंट चार्ल्स के स्कूल के सामने कॉलोनी में खराब पड़े बिजली ट्रांसफार्मर सुधारने पोल पर चढ़े युवक को लगा करंट। शिवपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर सुधारने पोल पर चढ़े युवक को करंट लग गया, जिसमें वह झुलस गया। जिला अस्पताल में उसकी हालत नाजुक है। जानकारी के मुताबिक रौंदा गाँव का सुखदेव जाटव को आज सेंट चार्ल्स स्कूल के सामने वाली कॉलोनी में खराब पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर को सुधारने के लिए लोगों ने बुलाया था। सुखदेव के अनुसार कॉलोनी के लोगों ने बिजली कार्य में सुधार के लिए विभाग से अनुमति लेने की बात कही थी, लेकिन सुधार कार्य के दौरान अचानक बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई। इससे मुझे करंट का झटका लगा, मैं नीचे गिर गया। वहीं पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। मेरा सुखदेव, पूरा नाम बताओ। जाटव। कहाँ के रहने वाले हो? रोदा। रोदा रोदा। अच्छा, क्या हो गया आपको? करंट लगा था बाबू जी। कहाँ पर काम कर रहे थे? कॉलोनी में। कहाँ पर? स्कूल के सामने। लाइट का काम कर रहे थे बाबू जी। अब मुझे क्या पता लाइट आ रही है या नहीं। किसने भेजा था तुम्हें काम करने? वो तो बोल दिया कि आए थे कॉलोनी वाले। कॉलोनी वाले लेके आए? हाँ। अच्छा, तुम लाइट का काम जानती थे? हाँ हाँ। तो एकदम करंट आ गया? एकदम ही आया था बाबू जी। अच्छा, तुम जैसे मेरी बात सुन के, जैसे आप मेन लाइन पर काम कर रहे थे, तो मेन लाइन पे आपने फिर के कितने बिना किसी जानकारी के लाइट आते ही काम कर रहे? वो मना कर रहे थे, नहीं आ रहा। कौन मना कर रहे थे? और जो तुम्हें जानते ही हूँ। हाँ? जिनको आप जानते ही नहीं हो? बिजली विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी तो होगा आपके, जिसने आपको चढ़ाया होगा। क्यों भैया? भैया कोई बिजली विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी है जिसने आपको चढ़ाया था? कोई नहीं था। आप मतलब अपनी मर्जी से चढ़े? नहीं नहीं। तो किसकी मर्जी से चढ़े? खड़ा था जब हम। कौन था? किसने चढ़वाया था ये तो बता दें। मुझे कुछ पता नहीं।